अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ हुसैन है। आज की इस वीडियो में हम अपने जो एग्जांपल कर रहे थे व्यू पेजर का, उसका सेकंड सेक्शन करेंगे व्यू पेजर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मकसद हमारा ये है कि बेसिकली जब भी एक इमेज पे क्लिक हो तो ये हमें एक ये नई एक्टिविटी ओपन हो जाए और हम सारे इमेज़ को स्लाइड करके व्यू कर सकें। तो उसके लिए हम एक नई एक्टिविटी बनाएंगे। सबसे पहले तो लेआउट पर राइट क्लिक करके आप न्यू एक्टिविटी बनाएं, सॉरी एक्टिविटी बनानी है तो एक्टिविटी पे जाके आप एम्प्टी एक्टिविटी बनाएं। ठीक है, व्यू पेजर एक्टिविटी हमने बना ली है। ठीक है, नई एक्टिविटी बन गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, व्यू फीचर बनाना है। तो बेसिकली हम इसके व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे एक व्यू फीचर। ठीक है, व्यू पेजर बन गया है। अब क्लास में जाते हैं, यहाँ पे हम व्यू पेजर को इनिशियलाइज करेंगे। अब इस एक्टिविटी को ओपन करने के लिए हम जाएंगे अपने अडॉप्टर की क्लास में, रिसेक्टर व्यू अडॉप्टर में। अब यहाँ पे हमने याद है हमने जो है ना एक क्लिक का इवेंट बनाया था। तो अब ये इवेंट क्या करेगा, ये एक्टिविटी ओपन करेगा। अब मुझे इमेजेस शो कराने के लिए मुझे यहाँ से इमेजेस भेजनी पड़ेंगी, तो मैं एक्स्ट्राज में इमेजेस को डाल के भेज देता हूँ। और इसके अलावा करंट को भी भेज देता हूँ कि कौन से इमेज पे क्लिक हुआ है। ठीक है, जब भी इमेजेस पे क्लिक होगा तो ये क्या करेगा, एक नई एक्टिविटी ओपन करेगा जिसमें ये इमेजेस को भेजेगा जो कि हमने कंस्ट्रक्टर के ज़रिए इस एक्टिविटी में भेजी हैं। और पोजीशन मतलब कौन सी इमेज क्लिक हुई है उसकी पोजीशन को भी ये भेजेगा। ठीक है, तो हम इस एक्टिविटी पे जाते हैं। इस एक्टिविटी पर हमें एक अडॉप्टर बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम अडॉप्टर बनाते हैं। अडॉप्टर बन गया है, ये एक्सटेंड करेगा फ्रैगमेंट स्टेट पेजर को। ठीक हो गया। अब गेट आइटम में हम
हर एक एटम में हम एक फ्रैगमेंट बनाएंगे। अब फ्रैगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्रैगमेंट लेआउट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जाएंगे न्यू फ्रैगमेंट, ब्लैंक फ्रैगमेंट, ठीक है, हम कर देते हैं इमेज फ्रैगमेंट। ये देखें, ये हमारे पास एक फ्रैगमेंट बन गया है। ये ऑन क्रिएट मेथड हमारे के काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है, और कुछ भी हमारे काम का नहीं है। हम सिर्फ जो है ऑन क्रिएट व्यू हमारे काम का है, तो इसको हम एक इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब हम जो हमारा फ्रैगमेंट है उसको हम एक इमेज व्यू बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इमेज बना दी है, इमेज व्यू बना दिया है इस तरह से, और इसका नाम रख दिया है इमेज। तो हम व्यू पेजर एक्टिविटी में जाते हैं। आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे एडाप्टर के अंदर हमने कुछ एक्स्ट्रास भेजे हैं। अब इन एक्स्ट्रास को हमें यहाँ पे यूज़ करना है एक्टिविटी में। तो हम सबसे पहले मैं int images का एरे बनाऊंगा, इजिकल टू न्यू इजिकल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, ठीक हो गया। तो मैंने बेसिकली जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, यहाँ से मैंने दो वेरिएबल भेजे हैं, इमेजेस और करंट, और मैंने यहाँ पे उनको गेट कर लिया है हमारे व्यू पेजर एक्टिविटी में। और इनको हम पास करेंगे अपने एडाप्टर की क्लास को। अब एडाप्टर की क्लास में हम जाते हैं व्यू पेजर एडाप्टर, इसमें हम पास करेंगे इमेजेस को, पोजीशन को, सॉरी पोजीशन को हम पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ इमेजेस को पास करेंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर कॉमा और वन, ठीक है। अब ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर नहीं बना हुआ, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं व्यू पेजर एडाप्टर पे जाके। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने कंस्ट्रक्टर जो बनाया है वो आपने पास किए हैं तीन वैल्यूज़, जबकि यहाँ पे हैं दो। तो इस कंस्ट्रक्टर को हम डिलीट करके एक नया कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। और यहाँ पे हम पास करते हैं इमेजेस इंट एरे, ठीक है, इमेजेस यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। तो मैंने यहाँ पे इमेजेस भेजी। यहाँ पे देखो, ये एडाप्टर को तीन पैरामीटर, जब भी हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो हमें तीन पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, और यहाँ पे हमने तीन पैरामीटर बना डिफाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एरे डिफाइन करेंगे इमेजेस का, जो कि जिसके हाथ में इमेजेस होंगी, ठीक है। तो हम इस वेरिएबल को
असाइन करेंगे दिस डॉट इमेजेस इज इक्वल टू इमेजेस, ठीक है, मतलब जो इमेजेस यहाँ से आ रही हैं वो असाइन कर दो इसको, ठीक है, ताकि ये इमेजेस जो है ना सारी जगह यूज़ हो सके। अब यहाँ पे हम बनाते हैं फ्रैगमेंट, जो हमने फ्रैगमेंट बनाया था उस फ्रैगमेंट को हम यहाँ पे इनिशलाइज करेंगे, फ्रैगमेंट एक्टिविटी, सॉरी इमेज फ्रैगमेंट इज इक्वल टू न्यू इमेज फ्रैगमेंट इज इक्वल टू न्यू फ्रैगमेंट, ठीक है, बंडल बनाते हैं, बंडल बी इज इक्वल टू न्यू बंडल बी डॉट पुट इंट एरे। अब एरे हम बनाएंगे इमेजेस का, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यू ऐड कर रहा हूँ ताकि ये जो है एक इमेज वहाँ भी जा सके हमारे फ्रैगमेंट में, तो हम फ्रैगमेंट में इमेजेस को भेज देते हैं, ठीक हो गया। और हम आर्ग्यूमेंट बनाते हैं फ्रैगमेंट डॉट सेट आर्ग्यूमेंट्स बी, ठीक है, और हम पास कर देते हैं फ्रैगमेंट को। अब ये काउंट क्या करता है, ये बेसिकली बताता है कि कितने फ्रैगमेंट बनेंगे, तो हम बोलते हैं भाई जितने इमेजेस हैं उतने ही फ्रैगमेंट बना दो, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फ्रैगमेंट एडाप्टर है, ये सारे ये हर एक आइटम को एक फ्रैगमेंट बनाएगा। अब हम फ्रैगमेंट में जाते हैं, ये हमने फ्रैगमेंट बनाया था, अब जो एक्स्ट्रा हमने वहाँ से जो बंडल में जो आर्ग्यूमेंट्स हमने भेजे थे वो हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, इंट इमेजेस या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सिर्फ करंट रिसोर्स को भी नहीं इसको सारे को पास कर देते हैं, इमेजेस भेजे और हमने बी डॉट पुट इंट हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम करंट रिसोर्स भेज दें मतलब जो क्लिक हुआ है सिर्फ उस इमेज को भेज दें, या तो हम सारे इमेजेस को भेज दें, ठीक है। तो मैं सिर्फ जो करंट जो क्लिक हुआ है उसी रिसोर्स को भेज देता हूँ, देखता हूँ ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो गेट आर्ग्यूमेंट्स डॉट गेट इंट इमेज, ओके, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं करंट रिसोर्स को, ठीक हो गया। अब जो हमारा फ्रैगमेंट व्यू है यहाँ पे हमने एक इमेज डिफाइन किया है, इस इमेज को वो इमेज असाइन कर देते हैं हम। तो सबसे पहले हम इमेज व्यू इनिशलाइज कर देते हैं, ठीक हो गया, और इमेज ग्लाइड को यूज़ नहीं करते हम डायरेक्ट ही सेट कर देते हैं इमेज को, इमेज सॉरी
ठीक है, इसमें सेट कर दिया। अब हम आते हैं हमारे एक्टिविटी में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी जो पेजर है उसको हम अडॉप्टर असाइन करते हैं। कौन सा अडॉप्टर? फ्रैगमेंट अडॉप्टर। और पेजर डॉट करंट आइटम पोजीशन, ठीक हो गया। तो हम फिर से एक बार फ्लो देख लेते हैं अपना। हमने क्या किया, हमने गए, हमने फ्रैगमेंट में गए और अडॉप्टर में गए। अडॉप्टर में हमने क्या किया, एक ऑन क्लिक इवेंट बनाया। ऑन क्लिक इवेंट में हमने एक नई एक्टिविटी को कॉल किया और दो एक्स्ट्रास हमने भेज दिए। सबसे पहला इमेजेस और दूसरा करंट पोजीशन के कौन सी इमेज क्लिक हुई है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक्टिविटी को इनिशलाइज कर दिया और ये जंप किया हमारे एक्टिविटी में। एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एक व्यू पेजर डिफाइन किया, यहाँ पे व्यू पेजर बनाया। और व्यू पेजर को बनाने के बाद हम यहाँ पे आए, इनिशलाइज किया व्यू पेजर को। फिर जो एक्स्ट्रा हमने भेजे थे वो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे गेट कर लिए। फिर हमने एक व्यू पेजर अडॉप्टर की क्लास बनाई, व्यू पेजर अडॉप्टर की क्लास बनाई। अडॉप्टर की क्लास बनाने के बाद उसको एक्सटेंड करवाया फ्रैगमेंट स्टेट पेजर से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, जो गेट आइटम का जो फंक्शन है उसमें हमने फ्रैगमेंट पास करना था। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक नई एक्टिविटी बनाई। बेसिकली वो एक्टिविटी नहीं, हमने नया फ्रैगमेंट बनाया, ठीक है। फ्रैगमेंट बनाया, फ्रैगमेंट बनाने के बाद इसने क्या किया, एक हमारे लिए क्लास बनाई फ्रैगमेंट की और एक इसका एक्सएमएल लेआउट बनाया, ठीक है। तो लेआउट में हमने एक इमेज व्यू बना दिया ताकि हम उस फ्रैगमेंट के अंदर अपनी करंट इमेज को शो करा सकें। और फिर यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो फ्रैगमेंट से जो करंट रिसोर्स आ रही थी उस इमेज को हमने सेट कर दिया इस तरह से। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पुट इन करके हमने उस इमेज के रिसोर्स को भेज दिया जो क्लिक होना था। जो क्लिक हुआ उसको भेजा और हमने फ्रैगमेंट में आर्गुमेंट पास करके हमने फ्रैगमेंट रिटर्न कर दिया। और गेट काउंट में हमने क्या किया कि इमेज की लेंथ पास कर दी ताकि जितने इमेजेस होंगे उतने ही फ्रैगमेंट बनेंगे। फिर जब ये काम यहाँ से कंप्लीट हो गया तो हम इमेज फ्रैगमेंट में गए। इमेज फ्रैगमेंट में हमने व्यू जो बना हुआ था उसको इस तरह से बना दिया। फिर जो करंट रिसोर्स भेजी थी उसको हमने इस तरह गेट कर दिया, गेट आर्ग्यूमेंट गेट एंड करके, ठीक है। और फिर इमेजेस में गए, इमेजेस में हमने क्या किया, जो इमेज को इनिशलाइज किया और जो रिसोर्स हमने वहाँ से भेजी थी उसको इमेज व्यू में सेट करा के व्यू को रिटर्न करवा दिया। चलिए चेक करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन सही काम कर रहा है या नहीं। ओके, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, तो हम चेक करते हैं कि ये सही काम कर रही है या नहीं। ये देखें, इसने नई एक्टिविटी ओपन कर दी है और बाइक की एक्टिविटी को ओपन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी एक्टिविटी आप पास कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे जो है, मैं उसको मज़ीद आपको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए, जो हमारा फ्रैगमेंट व्यू है ना, इसमें मैं एक और टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे।
ठीक है, ये टेक्स्ट व्यू मैंने बना दिया है, टेक्स्ट इमेज टाइटल, ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो भी इमेज शो हो उसका टाइटल भी शो हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके फ्रैगमेंट में जाएंगे, सबसे पहले उस इमेज व्यू, इस टेक्स्ट व्यू को इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, ये देखो ये फ्रैगमेंट इमेज की लेआउट है, तो इस लेआउट में हमने टेक्स्ट पास किया है, इसकी एक्टिविटी ये रही। अगर आपको एक्टिविटी डायरेक्ट एक्टिविटी में मूव करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल क्लिक करके, मतलब कंट्रोल प्रेस करके आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट उस क्लास में लेके जाएगा। टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, आईडी डॉट टाइटल। ठीक है, अब मैं क्या पास करूँगा, करंट रिसोर्स, हम पैर करेंगे टेक्स व्यू डॉट सेट टेक्स, हम पास करेंगे इमेज प्लस इमेज रिसोर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नंबर थ्रो करेगा, और ये हमें जो है ना इमेज इमेज का रिसोर्स शो करा देगा कि कौन सा रिसोर्स से ये इमेज आ रही है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये देखें टाइटल में जो है वो उसकी रिसोर्स शो कर रहा है 213123। इस तरह से आप इमेज के टाइटल भी शो करा सकते हैं अगर आपके पास टाइटल वगैरह है इमेज का। तो इस तरह से आप एक फ्रेगमेंट व्यू के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें शो करा सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी हो आप शो करा सकते हो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के अगली वीडियो में जब भी मैं अगली वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।